हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर के बारे में, या लॉस ऑफ लिबिडो जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं। आप एक रिलेशनशिप में हैं, यंग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ या आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, आप प्रेगनेंसीज नहीं प्लान कर पा रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो रहे हैं बिकॉज आपकी सेक्सुअल डिजायर है ही नहीं या बहुत कम है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ्रिक्शंस आ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो के अगर हम रीजंस की बात करें तो इसके रीजंस मेडिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं और फिजिकल हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल रीजंस के बारे में। अगर प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर है, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन रहता है जो हमारी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है, अगर इसके लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, तो इसकी वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर बोथ मेल एंड फीमेल में अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स को चेक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड थायराइड या सीवियर मेडिकल डिसऑर्डर्स, या कुछ मेडिसिंस भी ऐसी होती हैं, खासकर एंटी डिप्रेसेंस या एंटी साइकोटिक्स या एंटी एंग्जाइटी मेडिसिंस, जिसका इस्तेमाल करने से सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो सकती हैं। टबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये एक इनिशियल किक देते हैं और हमें लगता है कि एज इफ ये हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे माइंड को सुन करते हैं, उसे डिप्रेस करते हैं। तो इन नटशेल, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये भी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कम कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में सेक्सुअल डिज़ायर में अगर कमी देखी गई है तो इसकी वजह होती है साइकोलॉजिकल। आजकल के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, हमारी लाइफ एक मेस बन के रह गई कि देर इज़ नो डेफिनेट लाइफ स्केड्यूल, हम रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, हमारा टाइम से सोना उठना नहीं होता है, या खासकर वो लोग जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी या मेंटल स्ट्रेस के चलते भी उनकी डिज़ायर कम हो जाती है। या कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स अगर स्ट्रेन है, आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्टिव फील नहीं करते हैं, या कभी कभी बॉडी शेमिंग का अगर आप शिकार रहते हैं कि आप अपनी बॉडी को लेकर के, अपने फिजिक को लेकर के गिल्ट में हैं कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन माई ओन स्किन या इन माई ओन शेप, तो इसकी वजह से भी साइकोलॉजिकली आप अपसेट फील कर सकते हैं, यू मे नॉट बी कम्फर्टेबल विद योर पार्टनर, और अल्टीमेटली लैक ऑफ डिज़ायर। वो कपल्स जो बहुत टाइम से प्रेगनेंसीज के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो उनके लिए इंटरकोर्स इज नॉट अ लव मेकिंग प्रोसेस। वो लव मेकिंग या एक लव एक्सप्रेशन का तरीका ना होकर के एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे हैं, उनका बच्चा नहीं रुक रहा है, तो इसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं और सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो इस प्रोसेस को अवॉइड करने लगते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उनका डिज़ायर भी कम होता चला जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या प्रोफेशंस में अगर आपको मिल रहा है, तो ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, अपने आप से प्यार करिए, अपने स्किन में कम्फर्टेबल होइए, अपनी शेप में कम्फर्टेबल होइए, तो धीरे धीरे आप इस तरीके के रीजंस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल रीजंस भी हैं, खासकर वो कपल्स, ये अब बात अप्लाई होती है बोथ मेल एंड फीमेल पे, अगर वो ओवरवेट हैं तो देन दे मे हैव फिजिकल डिस्कम्फर्ट वाइल मेकिंग दिस प्रोसेस ऑफ लव मेकिंग, तो इस वजह से भी वो इसको अवॉइड करते हैं। तो अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, तो ट्राई टू फॉलो अ रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल और डाइट शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट करते हैं, तो इस तरीके के अवर्जन्स को आप दूर कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही मेडिकेशंस की, क्या किसी मेडिसिन के जरिए सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो मेरा जवाब होगा ना। अनटिल और अनलेस इसका रीज़न अगर मेडिकल डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली येस, आपको मेडिसिंस लेनी ज़रूरी हो जाती हैं। अदरवाइज साइकोलॉजिकल या फिजिकल रीजंस में आपको ज़रूरत है एक गुड काउंसलर की, गुड साइकेट्रिस्ट की, जिनसे सिर्फ बात करके आप चीज़ों को समझ करके, इस प्रोसेस को समझ करके अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।